Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this video is going to be exclusively helpful for BSc Nursing third year students. So in third year you have a subject called Mental Health Nursing, also known as psychiatry. So in that subject you have to make a box file, a file which consists all the assignments. So at the end of the session before practicals आपको एक फाइल बनानी होती है. तो इस बॉक्स फाइल का फ्रंट व्यू जो है वो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो. तो बॉक्स फाइल के अंदर क्या होता है, कौन कौन से असाइनमेंट्स होते हैं, वो सब तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली अबाउट हिस्ट्री टेकिंग एंड MSc. तो बॉक्स फाइल का फ्रंट मतलब अभी इस पैंडमिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर के होंगे और बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा है, इस वजह से घर पे बैठे होंगे. दे डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे फाइल्स वगैरह बनानी है. तो मे बी उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. तो आफ्टर फ्रंट पेज आपके जो भी कॉलेज का नाम वगैरह है उससे रिलेटेड पेज आ जाता है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपका सर्टिफिकेट होता है. सर्टिफिकेट वाला पेज होता है. उसके बाद इंडेक्स आता है. इंडेक्स में असाइनमेंट्स की सारी लिस्ट दे रखी होती है. जैसे कि आप देख सकते हो हिस्ट्री टेकिंग एंड MSc दो असाइनमेंट बनाने हैं. साइको एजुकेशन पे एक बनाना है. ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनानी है काफ़ी सारी. केस वर्क, केस स्टडी एक एक बनाना है. नर्सिंग केयर प्लान दो बनाने हैं. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देनी है एक. प्रोसेस रिकॉर्डिंग बनानी है दो. तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज़ पर INC, और ये आपने फुलफिल करनी होती हैं बिफोर अपियरिंग इन दी प्रैक्टिकल, बिफोर गिविंग एग्ज़ाम. ओके, तो आगे देखते हैं. दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. सो why this is important for you guys, for us, क्योंकि अभी हम जब psychiatric department में जाएंगे, suppose अभी तो नहीं जा सकते, pandemic में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे because of lockdown and all कि उनको real experience नहीं मिल पाएगा to get an interview of a psychiatric patient. लेकिन जब हम थे, हमें psychiatric, luckily हमारे hospital में psychiatric OPD भी था, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी था, तो हमने जो भी किया था बिल्कुल रियल पेशेंट से इंटरव्यू लेकर किया था. लेकिन अभी यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर ने कोई सिनेरियो दे दिया हो आपको, या फिर कोई केस दे दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बनाना हो. ठीक है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे. हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर साइकेट्रिक नर्सिंग असेसमेंट करना है अपने पेशेंट का. ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम. वो टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, वो टेक्निक हिस्ट्री टेकिंग हो सकती है. तो हमें हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए पेशेंट की. हमें MSc करना आना चाहिए कि हमें MSc परफॉर्म करते वक्त कौन कौन से कंपोनेंट्स असेस करने हैं. और एक और, या फिर हम कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं पेशेंट पे. तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं हिस्ट्री टेकिंग, MSc या कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके थ्रू हम पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करते हैं. और असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते होंगे आप सभी कि एक प्रॉपर असेसमेंट होगा तभी है जाकर हम प्लानिंग कर पाएंगे कि हाँ उसको कौन कौन से हमें इंटरवेंशंस लेने हैं, सो दैट हमारा पेशेंट को हम मैक्सिमम वेलबींग तक पहुंचा सकें, हमारा आउटकम हम सेटिस्फैक्ट्री आउटकम तक पहुंच पाएँ एज़ पर द पेशेंट्स नीड. तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग में हमें आइडेंटिफिकेशन डेटा, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लेना होता है, जिसमें कि हम क्या क्या उससे पूछेंगे. नेम, एज, सेक्स, फादर्स नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मदर्स टंग, एजुकेशन, रेसिडेंस, मंथली इनकम, नेशनैलिटी, ओके, एंड सोर्स ऑफ रेफरल. ठीक है, तो ये हम मेरे पेश मतलब ये जिस पेशेंट का है, वो पेशेंट का नाम है जयनाथ.
ठीक है, ऐसे ही आपका जो भी पेशेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है इसमें। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट वो व्यक्ति होगा जो कि उसके साथ आया है, साइकेटिक पेशेंट के साथ जो भी आपको आया है, और जो जिससे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले पाते हो उस पेशेंट की, वो होता है इन्फॉर्मेंट। ठीक है, ठीक है, तो नेम ऑफ इन्फॉर्मेंट डालना है। उसकी क्या रिलेशनशिप है, तो जयनाथ के साथ उसके फादर आए थे, तो फादर की रिलेशनशिप क्या हुई, फादर हुई। और रिलायबिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री रिलायबिलिटी मतलब कि वो पेशेंट जिसके साथ आया है, जिसे आप इन्फॉर्मेंट कह रहे हो, तो उस पेशेंट की और उस इन्फॉर्मेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, क्या आप उसकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हो, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, वो किस पर्पज़ से आया है, वो कितना क्लोज रिलेटिव है, कोई दूर का रिश्तेदार आया है, या किसी खास इंटेंशन से, मनी के या फ्रॉड के इंटेंशन से वो कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा आपको। तो क्या रिलायबल है इन्फॉर्मेंट या नहीं, वो होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स। तो चीफ कंप्लेंट्स में पेशेंट से आप पूछोगे, तो चीफ कंप्लेंट्स मतलब वो सारा कुछ जो उसने नोटिस किया, शुरू से लेके अपने सिम्टम्स वो बताएगा आपको कि मेरे को कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई सो दैट आई गेट एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे वो पेशेंट देखो बता रहा है कि मुझे आवाज़ सुनाई देते थे, दूसरे फ्लोर में जो बात कर रहे हैं वो मैं सुनता था, कोई अगर आपस में भी बात कर रहा है मैं, तो मुझे लगता था कि मेरे बारे में बात की जा रही है, कभी ऐसा लगता था कि कोई मुझे मारना चाहता है, तो आजकल बातें भी कम हो गई हैं और मैं ज़्यादातर अकेले बैठना चाहता हूँ। ये देखो, ये एज इट इज़ पेशेंट के जो वर्ड्स हैं वही डाल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग को बोलते हैं वर्बेटम, जिसमें कि कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, पेशेंट के एज इट इज़ वर्ड्स को ही हम लिख देते हैं, उसके ही खुद के वाक्यों को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, दैट इज़ वर्बेटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना आइडिया मिल गया, कितना सारा आइडिया मिल गया कि उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, मीन्स यहाँ पे उसे डिल्यूजन ऑफ, ये कौन सा डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, और कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं उसके बारे में, यहाँ पे ये कौन सा डिल्यूजन शो हो रहा है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ चलेगा पेन, रेफरेंस और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये आपने पढ़ रखा होगा जब डिल्यूजन पढ़ा होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग सही से नहीं दिख रही है, PERSECUTION। ठीक है, अच्छा, अब बाय द इन्फॉर्मेंट, यहाँ पे जो उसके फादर आए थे उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन लोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट के साथ, पेशेंट अगर आया है, साइकेटिक पेशेंट, उसका कोई ना कोई आया होगा, इनकेस कोई नहीं आता है तो फिर आप ऑब्वियसली बात है कि जितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से मिल सकती है उसी पर आपको उसी के अकॉर्डिंग असेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेंट अवेलेबल है। तो वो क्या बोलें कि आजकल बिल्कुल साइलेंट हो गया है। ठीक है, ये साइलेंट हो गया है आजकल, आजकल घर में भी बहुत कम बात करता है, किसी फ्रेंड से मिलने नहीं जाता, अकेले कुछ सोचने बैठ जाता है। ठीक है, इसको नींद भी कम हो गई है, और मैं हर दिन इसे बोलता हूँ एक्सरसाइज करने को, फ्रेंड से बात करने को, पर ये मेरी बात भी नहीं सुनता। ये इन्फॉर्मेंट ने ये सारा उसके बारे में, पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आपको बाय द इन्फॉर्मेंट, ठीक है, इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम क्या लिखेंगे कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी हिस्ट्री कैसी थी, उसकी जो इलनेस है ना उसकी हिस्ट्री क्या रही थी, मतलब ऑनसेट कैसा था, क्या उसके सिम्टम्स धीरे धीरे ग्रेजुअली आए थे या फिर एक्यूटली आए थे, सडन ऑनसेट था, कैसा ऑनसेट था वो बताएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि उसके सिम्टम्स ग्रेजुअली आए थे, सिम्टम्स लास्ट 3 मंथ से आ रहे थे, एंड स्टार्टिंग हैविंग द सिम्टम्स फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है,
कुछ प्रेसिपिटेटरी फैक्टर्स थे क्या, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से उसकी कंडीशन एग्रवेट होती हो। सपोज़ कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको कह लो उस पेशेंट को एकदम से रात के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो ऐसा कोई टाइमिंग है, या किसी पेशेंट को वो अपने मतलब वर्बेटम में इंफॉर्मेशन देते वक्त बता रहा है कि उसको जब भी वो बारिश देखता है, बारिश के टाइम को उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है, किसी भी तरह का प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि नो फिज़िकल इलनेस प्रेजेंट, कोई फिज़िकल इलनेस नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल लॉस वगैरह ऐसा कोई फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है। हिज सिस्टर इज़ बिहेविंग लाइक अ मुस्लिम फॉर लास्ट 3 to 4 मंथ्स एंड नाउ शी इज़ एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन काम का हो सकता है, तो ये यहाँ मेंशन किया गया है। कोर्स ऑफ इलनेस, फर्स्ट एपिसोड ऑफ इलनेस ग्रेजुअली डेवलप्स इन द लास्ट 3 मंथ्स। कोर्स ऑफ इलनेस मतलब उसका प्रोग्रेशन कैसा है, इलनेस जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे। प्रोग्रेस ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सिम्टम्स कैसे हैं, डिटेरियरेट हो रहे हैं या फिर ठीक हो रहे हैं, मतलब सिम्टम्स प्रोग्रेशन समझते हो ना, कोई भी चीज़ है वो या तो अच्छी हो सकती है पहले से कंडीशन, या पहले से कंडीशन वर्स हो सकती है, तो यहाँ पे कंडीशन वर्स हो रही है, डिटेरियोरेशन हो रहा है, ठीक है। एसोसिएटेड डिस्टर्बेंसेस, ये वही है, मतलब जैसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे वो क्या करते हैं, उस कंडीशन को और एग्रवेट कर देते हैं, और एसोसिएटेड डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके साथ वो चीज़ देखी गई है, जैसे जब वो पेशेंट नींद नहीं लेता है तब अक्सर उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इस तरीके से डिक्रीज स्लीप एंड एपिटाइट, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शंस, डिक्रीज इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तो ये सारा एसोसिएटेड डिस्टर्बेंसेस, साथ में और क्या क्या चीज़ें, जब से वो सिम्टम्स आ रहे हैं, जब से उसका प्रोग्रेशन डिटेरियोरेट हो रहा है, तब से क्या क्या साथ में देखने को मिला है, वो होता है एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो उसकी कंडीशन को और ज़्यादा या तो वर्स कर रहे हैं, इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वर्स कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, पास्ट इलनेस में कौन कौन सी हिस्ट्री बतानी है, कि क्या कोई उसको फिजिकल इलनेस थी पास्ट में, एपिलेप्सी, मैनिंजाइटिस, ऐसी कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी रही हो, नहीं थी। ही इज़ कमिंग टू ओपीडी फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज़ एडवाइज बाई डॉक्टर रजनी चटर्जी वैल ही वॉज अटेंडिंग हिज सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी पास्ट इलनेस की। अगर होती है हिस्ट्री पेशेंट की पास्ट इलनेस की, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको क्या था, उसके लिए आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, क्या कभी उसकी सर्जरी हुई थी, क्या आप उसके लिए उस बीमारी की वजह से कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को हम जीनोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, जीनोग्राम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फैमिली हिस्ट्री और जीनोग्राम जो होता है वो एक तरीके से सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है फैमिली की, इसे फैमिली ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। कभी किसी वीडियो में मैं सेपरेटली भी बताऊंगी अच्छे से कि फैमिली ट्री किस तरीके से बनाए जाते हैं और इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स के ये जो स्क्वायर है इसका मतलब होता है मेल, और ये जो सर्कल है इसका मतलब होता है फीमेल। यहाँ से ये लाइन इस तरीके से क्रॉस करिए, इसका मतलब है कि ये पर्सन, इसकी डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड है, ठीक है। और जहाँ पे इस तरीके से लाइंस होती हैं उसका मतलब होता है कि ये पर्सन वो है जो पेशेंट है, जिसको साइकेट्रिक इलनेस है। तो यहाँ पे इसको, ये हमारा पेशेंट है जयनाथ, 21 ईयर्स, और हम उसकी सिस्टर को भी, हमने अभी तक उसकी सिस्टर का असेसमेंट नहीं किया है, लेकिन उसकी सिस्टर को भी साइकेट्रिक इलनेस है, ये भी पेशेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फैमिली ट्री होता है। ट्री में आप क्या क्या चेक करोगे, क्या क्या असेस करने वाले हो पर्सनल हिस्ट्री में, आप बर्थ एंड अर्ली डेवलपमेंट वहाँ से शुरू करोगे आप, अभी वहाँ से अभी तक का। तो बर्थ का तो उसको कुछ याद होगा नहीं, लेकिन अगर उसकी मदर या उसके फादर साथ में हैं तो आप उनसे हिस्ट्री ले सकते हो कि क्या छोटे पे इसकी आदतें कैसी थी, नेल बाइटिंग, सकिंग, इस तरह के कुछ बिहेवियर्स थे क्या। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट में आप कहाँ से शुरू करोगे, इवन प्री नेटल पीरियड से शुरू कर सकते हो कि मदर जब मदर के वूम में था, जब मदर कंसीव कर रही थी उस वक्त कोई हार्मफुल ड्रग्स मदर ने कंज्यूम की थी क्या। ठीक है, मदर को कोई किसी तरह की बीमारी थी, तो वहाँ से लेके आप पूरा डेटा चेक कर रहे हो, असेस कर रहे हो कि कहीं कोई कॉज वहाँ तो नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, डिलीवरी किस तरह की थी, नॉर्मल थी या सिजेरियन थी। ठीक है, कौन से नंबर का चाइल्ड है ये, उस इसको कोई फिजिकल इलनेस प्रेजेंट थी क्या, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं ना बच्चे के, वो जैसे कि वो किस कौन सी उम्र में बोलना शुरू करता है, कौन सी उम्र में लिखना शुरू करता है ना, तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव हुए थे प्रॉपरली या फिर उनके बीच में कोई टाइम लैग था, ये सब आप पूछोगे। क्या बेबी वांटेड था या अनवांटेड था, है ना, मदर और बेबी के बीच में रिलेशनशिप कैसा था, ये सब आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसमें आप क्या क्या हिस्ट्री ले सकते हो। नो एबनॉर्मल बिहेवियर, यहाँ पे इसने लिखा है कि इसका कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं था। हैव नो मच फ्रेंड्स, ही वॉज इंट्रोवर्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में आप क्या क्या और क्या क्या हिस्ट्री ले सकते हो कि ये बच्चा मतलब और बच्चों के साथ खेलता था या नहीं खेलता था, चुप रहता था या एक्टिव था काफ़ी, इसके फ्रेंड्स थे या नहीं थे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो तो आपको चाइल्डहुड की हिस्ट्री समझ में आएगी उसकी। फिजिकल इलनेस कोई थी या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेशेंट की नो हिस्ट्री ऑफ एनी फिजिकल इलनेस लाइक एपिलेप्सी, मेनिनजाइटिस, एनसेफलाइटिस। स्कूल हिस्ट्री लोगे तो स्कूल हिस्ट्री में क्या पूछ सकते हो आप कि उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके ग्रेड्स कैसे आते थे, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, उसके उसके फ्रेंड्स थे स्कूल में या नहीं थे, इस तरह का। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड ही हैज़ अ गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर्स एंड पीयर्स। ठीक है, फ्रेंड सर्कल के साथ उसका अच्छा एटीट्यूड था, सब था, नो प्रॉब्लम यहाँ पे भी। ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, जैनाथ क्या है, स्टूडेंट है अभी, ऐसा कोई एज सच स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन नहीं है, ही इज़ अ स्टूडेंट ओनली। मैरिटल हिस्ट्री, मैरिड है या अनमैरिड, तो वो लिख देना है आपको अपने पेशेंट का। सेक्शुअल हिस्ट्री में नो सिग्निफिकेंट सेक्शुअल हिस्ट्री, क्योंकि अभी उसकी मैरिज ही नहीं हुई है, तो उसकी एज सच कोई सेक्शुअल हिस्ट्री सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ आप लिख सकते हो अगर कोई मैरिड पर्सन है तो उसका स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या नहीं है, ओके, जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो पूरी हो पा रही हैं या नहीं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। यूज़ ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, नॉट यूजिंग एनी ड्रग्स और एल्कोहल और स्मोकिंग। अगर बंदा अल्कोहल ले रहा है तो आप पूछ सकते हो कि कितना अमाउंट लेता है, दिन में कितनी बार लेता है, कितने महीनों से ले रहा है, और इसके लिए क्या कभी उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है, डिपेंडेंसी लेवल इतना बढ़ गया हो तो। तो ये सब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री में सारी जानकारी ले सकते हो। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, अब ये क्या होती है, ये दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन बिफोर इलनेस। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी स्टार्टिंग से थी हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं बीमारी आने से पहले। तो उसका IPR क्या कैसा था, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू इनिशिएट एन कन्वर्सेशन, ही डज नॉट ट्रस्ट अदर्स ईजीली, ही मेक्स डिसीजंस ऑफ हिज ओन। तो यहाँ पे उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ऐसा समझ में आ रहा है थोड़ा सा। यूज़ ऑफ लीजर टाइम, लीजर टाइम में उसे क्या पसंद है, पेशेंट को क्या करता था वो खाली टाइम में, पहले वॉकिंग करता था, स्विमिंग करता था, गार्डनिंग करता था, क्या करता था। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि उसे मोबाइल गेम
मतलब मोबाइल गेम खेलना पसंद था। प्रीडोमिनेंट मूड उसका कैसा रहता था, वो क्वाइट और काम पर्सन था। मतलब आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि आपको ज़्यादातर उस वक्त कैसा फील होता था, आप एंक्शियस रहते थे, हैप्पी रहते थे, कैसा मूड रहता था आपका। प्रीडोमिनेंट मतलब जो मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, कैसा एटीट्यूड था, तो ही इज़ अ कॉन्फिडेंट अबाउट सेल्फ, ही हैज़ प्लानिंग्स फॉर हिज फ्यूचर, ठीक है। ही वॉन्ट टू डू मास्टर्स एंड वर्क इन एन IT कंपनी, ही वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रॉम ही वॉन्ट टू गेट रिलीफ फ्रॉम हिज सिम्टम्स, ओके। सो एटीट्यूड टूवर्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टूवर्ड्स वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा एटीट्यूड है इसका पर्सन का, कि इसका यहाँ पे भी सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक ही है। व्हेन ही इज़ गिवन सम टास्क ही विल डू, बट ही विल नॉट टेक इनिशिएटिव बाय हिज ओन, तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेता है वो, लेकिन अगर आप उसे कोई टास्क दोगे तो वो करता है। रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ है उसके, ठीक है, और फॉलो करता है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। फैंटेसी लाइफ, आप पूछ सकते हो कि आप डे ड्रीमर हो क्या, डे ड्रीमिंग करते हो, आपकी फैंटेसीज कैसी हैं, उनका कंटेंट क्या है, किस तरह की फैंटेसीज रखते हो। तो यहाँ पे हमारे पेशेंट की, जैनात की, कोई स्पेसिफिक फैंटेसीज इस तरह की नहीं है। नेक्स्ट आप उसकी हैबिट्स पूछ सकते हो, ठीक है। हैबिट्स में किस तरह की हैबिट्स हैं, नेल बाइटिंग इस तरह की कोई हैबिट है क्या, ये थंब सकिंग इस तरह का। तो ही इज़ प्योर वेजिटेरियन एंड कोई भी अल्कोहल और ड्रग्स नहीं लेता है वो, और बस उसको मोबाइल पसंद है तो रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाता है वो। रिएक्शन टू स्ट्रेस कैसा है, मतलब जब स्ट्रेस आता है तो कुछ पर्सन होता है, कोई पेशेंट ऐसा होगा बताएगा कि जब मुझे स्ट्रेस आता है ना तो मैं बिल्कुल ही वायलेंट हो जाता हूँ, चीज़ें उठा उठा के फेंकता हूँ, एकदम सबके ऊपर गुस्सा निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो क्या बोल रहा है कि वो साइलेंट हो जाता है, एकदम काम हो जाता है और अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री ले ली, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली उसके बारे में अंडर डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स। अब हम MSE परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर। तो MSE में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कशन में सब कुछ बता चुके हैं कि MSE कैसे कैसे करना होता है, तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, ठीक है। अगर MSE आपको अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स किस तरीके से लिखनी है, थोड़ा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इस वीडियो को देख सकते हो। जनरल अपीरियंस में आप क्या क्या चेक करोगे, फिजिक चेक करोगे, एटीट्यूड टूवर्ड एग्जामिनर चेक करोगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, समझ पा रहा है एग्जामिनर मतलब आपकी बातों को, वो समझ भी पा रहा है या नहीं, आप उसका गेट चेक करोगे, पोस्चर चेक करोगे, ठीक है। आगे आप उसके सोशल मैनर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर ये सब चेक करोगे, रैपो कैसी है, कोई हेलुसिनेटरी बिहेवियर है या नहीं वो ऑब्जर्व करोगे। नेक्स्ट आपको क्या असेस करना है, स्पीच असेस करना है। स्पीच में आप रेट, क्वालिटी, वॉल्यूम, टोन ये सब असेस करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि उसका जो वॉल्यूम और टोन है यहाँ नॉर्मल आया है। कैसे, आई आस्क हिम हाउ आर यू, उसने बोला मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल इंटैक्ट, ठीक है। मूड एंड अफेक्ट में हमने उसे पूछा, आई आस्क हिम हाउ डू यू फील, तो उसे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में बातें की जा रही हैं, और वो अपने आसपास देख भी रहा था लोगों को, तो यहाँ पे पता चलता है कि वो रेस्टलेस है और ही इज़ लुकिंग अराउंड अदर पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब उसका मूड एंग्शियस है। और अफेक्ट कैसे पता चला हमें उसका मूड एंग्शियस है, उसके अफेक्ट के थ्रू, बिकॉज ही इज़ सीइंग पीपल अराउंड हिम, ओके। तो मूड क्या होता है, किसी भी पर्सन की सब्जेक्टिव फीलिंग, सस्टेन्ड फीलिंग्स रहती हैं, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में जो वो बताएगा वो मूड है, और जो उसका ऑब्जेक्टिव आउटकम जो आप उसके अपीरेंस में देख पाते हो वो अफेक्ट होता है, ओके।
नेक्स्ट आपको थॉट असेस करना है। थॉट में आप पूछोगे, क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको थॉट भी पता चल जाएगा। जैसे उसने पूछा कि हु आर देयर इन हिज फैमिली, उसने बताया अच्छे से कि मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, चार बहनें हैं, दो की शादी हो गई है, एक का अगले महीने शादी है, एक इधर एडमिटेड है। तो इससे पता चलता है कि थॉट स्ट्रीम वॉज नॉर्मल, कोई भी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन नहीं था, कोई ऑब्सेशन कंपल्शन नहीं था। लेकिन हाँ, डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन और रेफरेंस, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था, उसकी बातों में समझ में आ गया था हमें। तो हाँ, डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन मीन्स समवन, उसको ऐसा बिलीफ है, मिसबिलीफ है कि समवन समवन कैन किल हिम, और रेफरेंस मीन्स सम पर्सन्स आर टॉकिंग अबाउट हिम। ओके, तो इस तरह के डिल्यूजन्स हैं। नेक्स्ट, हमने जब उसका कॉग्निटिव फंक्शन असेस किया पेशेंट का, तो हमें पता चला कि उसका GCS स्कोर 15 है। मतलब जब हमने आई, वर्बल, मोटर रिस्पॉन्स चेक किए तो एवरीथिंग वॉज फाइन। ऑरिएंटेशन में ही वॉज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन, आप देख सकते हो उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसने करेक्टली आंसर किया है। टाइम बताया, पूछा तो टाइम बता दिया, प्लेस पूछा तो प्लेस बता दिया कि मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। इसके बाद उससे पूछा गया कि हु इज़ दिस विद यू, कौन है आपके साथ, तो उसने बता दिया कि मेरे साथ मेरे फादर हैं। तो इससे पता चलता है कि ही वॉज फुल्ली ओरिएंटेड अपनी सराउंडिंग से, प्लेस से, पर्सन से, टाइम से। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी असेस की हमने, उसकी कौन कौन सी मेमोरी असेस की, उसकी रिमोट, इमीडिएट और रीसेंट, तीनों मेमोरी असेस की। क्या क्या हम किस तरह के हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे कि हमने रिमोट के लिए पूछ लिया, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, रीसेंट के लिए आपने लास्ट नाइट क्या खाया है, और इमीडिएट के लिए हमने उसको कोई वर्ड दिया, कोई डिजिट दिया, उसको बोला कि आगे से और पीछे से पढ़ के बताओ। तो ही क्वालिफाइड ऑल थ्री टेस्ट, तो उससे पता चल गया कि उसकी मेमोरी एकदम इंटैक्ट है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे उसको बोला गया कि 100 में से 3 को माइनस करना है सीरीज वाइज, तो उसने आंसर करा 197.94। इसके पता चलता है कि उसका अटेंशन और कंसंट्रेशन भी एकदम इंटैक्ट था, नॉर्मल था, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए हमने उसको बोला कि ऑड वन आउट चूज़ करना है स्पून, ग्लास और हैमर में से, उसका आंसर हैमर था, यानी कि सही था, क्योंकि स्पून और ग्लास तो यूज़ होते हैं किचन में, हैमर थोड़ी ना होता है यूज़, तो इसका मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इंटैक्ट थी, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस चेक करने के लिए हमने उससे पूछा जयनाथ से कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड हिज आंसर वॉज नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि उसको जनरल नॉलेज है। जजमेंट में पर्सनल, सोशल और टेस्ट जजमेंट असेस की जाती है। तो पर्सनल कैसे की जाती है कि वॉट इज़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो उसने बोला कि मुझे कुछ परेशानी है, पता नहीं क्या है, सही होना है बस, ठीक है। सोशल जजमेंट में ही मेंटेन्स प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट, उसने प्रॉपर कॉपरेट किया, बात करने में इंटरेस्ट दिखाया। टेस्ट जजमेंट में आपको ये कंडीशन देते हो कि आपका घर फायर पे है तो आप क्या करोगे, जो पेशेंट का आंसर हो वो आपको बताएगा कि उसका टेस्ट जजमेंट कैसा है, सिचुएशन को जज करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो इस वीडियो में 7 कंपोनेंट्स असेस किए हैं जजमेंट, 8th कंपोनेंट भी होता है जो इस असाइनमेंट में है नहीं, वो होता है इनसाइट, जिसको हम 6 लेवल पे चेक करते हैं, ठीक है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, इनसाइट, इनसाइट, ठीक है, इसको हम 6 लेवल पे चेक करते हैं। ओके, इसको कि हम 6 लेवल पे असेस करते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कंप्लीट डिनाइल करता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे पता ही नहीं होता है। उससे पूछोगे आप, आपको कोई बीमारी है, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, तो वो होता है लेवल 1। लेवल 2 में क्या होता है कि पेशेंट को स्लाइट अवेयरनेस होती है, ठीक है, कहता है कि हाँ, मतलब हाँ मैं थोड़ा बहुत बीमार रहता हूँ, और उसको कन्फ्यूजन होता है कि उसे हेल्प चाहिए भी या नहीं,
तो वो हेल्प के लिए चाहिए या नहीं, कन्फ्यूजन है उसे, डिनाई भी कर रहा है सेम टाइम पे हेल्प चाहिए भी। ठीक है, लेवल थ्री कौन सा होता है कि उसको पता है कि वो सिक है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन वो अपनी बीमारी का ब्लेम क्या क्या बोलेगा कि मैं बीमार हूँ क्योंकि सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मतलब मेरी गलती नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आई एम इल। ठीक है, लेवल फोर ऑफ इनसाइड क्या होता है, जब उसे पता होता है कि हाँ वो एडमिट कर रहा है कि ठीक है मैं बीमार हूँ, सिक हूँ, आई एम सिक, बट ड्यू टू समथिंग अननोन इन सेल्फ, उसको ये भी एडमिट कर रहा है कि हाँ देयर इज़ प्रॉब्लम इन मी, समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन मी, बट वो क्या है वो उसे नहीं पता होता है, तो वो लेवल फोर होता है। ठीक है, लेवल फाइव में क्या होता है, लेवल फाइव में इंटेलेक्चुअल इंसाइट आ जाती है। इसका मतलब होता है कि उसको पता है कि वो इल है, ठीक है, वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मैं बीमार हूँ, हाँ मुझे सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया या जो भी है प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, वो ये भी एडमिट कर रहा है कि जो भी मेरी बीमारी है वो बिकॉज मेरे ही थॉट्स का कोई, मतलब मेरे थॉट्स में कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, वो सब एडमिट कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से आगे उसे इस नॉलेज को फ्यूचर या करेंट एक्सपीरियंसेस में इम्प्लाई करना है। ठीक है, अगर उसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो किस तरीके से उन थॉट्स को ब्लॉक करना है या रिप्लेस करना है या उन थॉट्स से अपने आप को प्रिवेंट करना है, उसे ये नहीं पता। ठीक है, सिक्स्थ लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ इंसाइट का, यहाँ पे ट्रू इमोशनल इंसाइट आ जाती है। ट्रू इमोशनल इंसाइट में जो पेशेंट होगा वो, उसको ये पता है कि वो बीमार है और इसको ये भी पता है कि उसकी ही, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद इन हिम, उसके ही थॉट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी बीमारी के लिए। तो फिर ये लेवल फाइव से डिफरेंट क्यों हुआ, क्योंकि उसको अब ये भी पता है कि हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन, अभी मुझे अपनी लाइफस्टाइल में, बिहेवियर में, अपने थॉट्स में ऐसे क्या चेंजेस लाने हैं सो दैट मैं इस चीज़ से ओवरकम कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे उस वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके फ्यूचर बिहेवियर में, तो ये होता है लेवल सिक्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड MSC, हाउ टू परफॉर्म MSC ऑन अ साइकेट्रिक पेशेंट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।